नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट की, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल जी किसान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत ही बढ़िया अच्छा खाद है, फसलों के अधिक और उत्पादन के लिए किसानों को सिंगल सुपर फॉस्फेट के उपयोग पर जोर देना चाहिए। ये फसलों के बेहतर उत्पादन में मदद करता है। कृषि विशेषज्ञ भी इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह और कितनी मात्रा में किया जाए, ताकि फसलों के बेहतर उत्पादन के साथ ही भूमि की उर्वरक क्षमता भी बनी रहे। किसी भी उर्वरक का प्रयोग करने से पूर्व मिट्टी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे किसानों को खाद व उर्वरक का प्रयोग करने में आसानी होगी और भूमि की सेहत भी सुधरी रहेगी। आज को फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट के उपयोग की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सके। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सिंगल सुपर फॉस्फेट एक फॉस्फोरस उर्वरक है। इसमें 16% मात्रा में फॉस्फोरस होता है और 11% सल्फर होता है। इसमें मौजूद सल्फर के कारण ये तिलहनी एवं दलहनी फसलों के लिए अन्य उर्वरक तुलना में अधिक लाभकारी पाया गया है। तिलहन फसलों में इसका उपयोग के काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसके प्रयोग से तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है, विशेषकर सरसों में। वहीं इसके प्रयोग से दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो फसल की बेहतर पैदावार प्राप्त करने में सहायक होते हैं, लेकिन कई कारणों से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे पूरा करने के लिए जैविक और रासायनिक खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का